लॉकडाउन में युवक की बेरहमी से हत्या, मरणासन्न होने के बाद लठ से पिटते रहे कातिलों की बेरहमी का वीडियो आया सामने। लवकुश नगर में मवेशी पालन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या हुई। कातिल मरणासन्न होने के बाद भी युवक को लाठियों से पीटते रहे कातिलों की बेरहमी का वीडियो सामने आने से सनसनी फैली। संत बालीनाथ नगर के गोविंद लखवाल और लवकुश नगर का आशु डागर मवेशी पालन करते हैं। इनके बीच इस बात को लेकर विवाद भी होते हैं। शातिर आशु डागर ने इसके चलते ही गोविंद को हत्या करने के लिए बातचीत का झांसा देकर अपने घर बुलाया। घर पर उसके साथ ही लाला भाट, विशाल भाट, सागर भाट, दीपक और भैयू हथियार लेकर बैठे थे। गोविंद अपने दोस्त सूरज के साथ जैसे ही आशु के घर में दाखिल हुआ, आरोपी दोनों पर टूट पड़े। सूरज तो जान बचाकर भाग निकला, लेकिन गोविंद को आरोपियों ने घेर लिया। चारों तरफ से गोविंद को घेर कर आरोपी रॉड, लठ और चाकुओं से गोविंद पर बेतहाशा वार करते रहे। जैसे तैसे आशु के घर से निकलकर गोविंद बाहर आकर सड़क पर गिरा, तो आरोपी यहां भी पहुंच गए। आशु ने गोविंद को पकड़ा और सागर भट्ट लठ से उसे बुरी तरह पीटता रहा। गोविंद की हालत मरने जैसी हो गई तो विशाल भट्ट मोटरसाइकिल ले आया। इस पर बैठकर विशाल और भैयू गोविंद को उसको घर के सामने ले जाकर पटक गए। घर के बाहर घायल पड़े गोविंद की हालत देखकर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल दौड़े और बाद में इंदौर के MY अस्पताल ले गए, लेकिन गोविंद की जान न बच सकी। शनिवार को नीलगंगा पुलिस ने हत्या के इस मामले में सागर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सर कल एक मार्केट का आना था, इसमें सर गोविंद लिलावत करके एक व्यक्ति घायल हुआ था, सुबह मौत हो गई। सर किस प्रकार का इसमें सर अपडेट किया गया? कल मतलब 29 मई, सॉरी, थाना नीलगंगा के अंतर्गत बीते कल 28 मई को लगभग शाम को 5-6 बजे के आसपास दो पड़ोसियों में आपस में जो पशु पालते हैं उनमें आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई। उस मारपीट में गोविंद नाम का जो व्यक्ति है उसको मारपीट में चोटें आई और उसको अस्पताल भेजा गया था। वहाँ से उसको रेफ़र किया गया था इंदौर, और दोनों ही बच्चों को आपस में, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, दोनों पशु पालते हैं और उसी पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई। और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफर किया गया था, उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में एक मामला भी पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी उसमें टीम लगी हुई है और एक मामला पंजीबद्ध हुआ है और दूसरा मामला भी इसमें पंजीबद्ध किया जाएगा और उसमें पूरी जो कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से मोहित राजे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।